जैन धर्म के तीर्थराज सम्वेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध तेज होने लगा है। बता दें कि इसे झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। इसी के विरोध में जयपुर के भट्टारक जी की नसिया में दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तय किया गया कि 25 दिसंबर को जयपुर सहित पूरे प्रदेश में जैन समाज की ओर से मौन रैलियाँ निकाली जाएंगी और विरोध में ज्ञापन सौंपे जाएंगे। दो अगस्त 2019 को भारत के राजपत्र में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ हमारे तीर्थराज समीर शिखर के ऊपर कि वो पर्यावरण एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उसको लेकर ये आंदोलन है। वो जैन तीर्थ है, शाश्वत जैन तीर्थ है। हमारे तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में वहीं से जाएंगे। हमारे धर्म मान्यता के अनुसार यही स्थान इस सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, वो समीर शिखर जी है। हम अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक होते हुए भी सरकार ने जो हमारी जितने भी मंदिर है, धर्मशालाएं हैं, तीर्थ क्षेत्र है, उसमें किसी पे भी आक्षेप नहीं लगा सकती, किसी को भी टेक ओवर नहीं कर सकती। जब सरकार वहाँ टेक ओवर करके पर्यटन क्षेत्र और वन्य जीवन के क्षेत्र और रमणीय क्षेत्र को घोषित करने गई है और वहाँ पर 50 किलोमीटर के एरिया में सारे ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं, इसका विरोध में हम सरकार को ज्ञापन देंगे, रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, इस ज्ञापन को वापस, इस अध्यादेश को वापस शीघ्र अतिशीघ्र लिया जाए।